नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम केशव दास जी को पढ़ रहे थे और क्योंकि उनके बारे में बड़ा विस्तृत लिखा गया है तो एक वीडियो में हो नहीं पाया था। आज चलिए आगे का पढ़ लेते हैं। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, है ना, जिसके कारण ना तो भावों की प्राकृतिक व्यंजना के लिए जगह बचती है ना सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास के ही जगह जगह मिल जाते हैं। मतलब आप उनको ढूंढने के प्रयास भी नहीं करेंगे तब भी केशव की रचनाओं में पद दोष और वाक्य दोष आपको जगह जगह मिल ही जाएंगे। कहीं कहीं उपमान भी बहुत ही हीन और बेमेल है, जैसे मतलब जो उपमानों का उन्होंने प्रयोग किया वो बिल्कुल बेमेल है, मतलब नहीं है फिर भी दे दिया है। जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में ये वाक्य है ना, मतलब केशव दास जी की जो रचना है, कविता है, उसको सबसे ज्यादा अरुचिकर अगर कोई चीज करती है तो वो है उनकी अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। वो उसमें अलंकारों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा यही कारण बनता है कि केशव की रचनाएं अरुचिकर और विकृत हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, केशव दास जी के बारे में आप थोड़ा बहुत मतलब समझ लीजिए। एक तो ये समझ लीजिए कि ज्यादातर यहाँ पे उनके जो पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन और अलंकारिक चमत्कार की वजह से उनकी जो कविताओं में दिक्कतें आ गई हैं उन्हीं का वर्णन शुक्ल जी ने किया है। अब जब वो ज़्यादातर अलंकारिक चमत्कारों के वर्णन के ही पीछे पड़ जाते हैं तो भावों की वो अभिव्यक्ति, भावों की वो व्यंजना नहीं आ पाती है, जो एक मतलब जो सच्चा सहृदय व्यक्ति होता है जो उसको भाव विभोर कर दे, है ना। राम की वियोग दशा के वर्णन के लिए उन्होंने क्या कहा है, वासर की संपत्ति उल्लूक ज्योना चित्तवत। बासर की संपत्ति उल्लूक ज्योना चित्तवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संपादों में, सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि केशव दास जी को सबसे अधिक सफलता किस चीज में प्राप्त हुई है, तो संवादों में उन्हें प्राप्त हुई है। उन्हें अपने भावों की व्यंजना में, प्राकृतिक वर्णन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, सफलता मिली तो उनके संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। यह उनकी विशेषता भी बता रहे हैं कि जो पात्रों से इन्होंने संवाद कराए हैं वो उनके हिसाब से हैं। जो भाषा ली गई है वो अब जो अभिव्यक्ति ली गई है क्रोध के समय, उत्साह के समय, उसकी व्यंजना सुंदर है। जैसे लक्ष्मण, राम, परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्य पटुता और राजनीति दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ये अभी शुक्ल जी ने पहले ही कहा है कि क्योंकि राजनीतिक दरबारियों के बीच में रहते थे तो ऐसे दांव पेचों से इनको अच्छे से भली भांति परिचित थे, तो उसका प्रयोग भी यहाँ अच्छे से हुआ। राजनीतिक दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। जिस चीज का प्रभाव आप में होगा आपकी कविता में वो प्रभाव दिखाई देगा। सीधी सी बात यह है, जिसका प्रभाव केशव दास जी में था वो पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन, अलंकारों के चमक, ये उनके व्यक्तित्व में था, वही उनकी कविताओं में झलकता था। राजनीतिक दांव पेच के बीच में रहते थे तो उसको अच्छे से समझते थे, वो भी दिखाई देता था। भाव व्यंजना उनके अंदर नहीं थे उतने अच्छे भाव, शायद मतलब आप याद रख सकते हैं, मैं कह नहीं सकती, उसी तरह से उनकी कविताओं में नहीं मिलते। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। अब ये देखिए, तुलसीदास जी से भी अगर कहीं अधिक कोई अच्छी चीज़ उन्होंने की है या कहीं उन्हें सफलता मिली है तो रावण अंगद संवाद में मिली है। रावण अंगद संवाद में वो तुलसी से भी अधिक अच्छा, उपयुक्त और सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। रामचंद्र का और केशव प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है। केवल मास में यानी महीने में अंतर है, महीने में आगे पीछे हैं, एक ही सन में रचित है। कौन सी? रामचंद्रिका और कवि प्रिया। कवि प्रिया कवि को प्रिया यानी अलंकार संबंधी, ठीक। रसिक प्रिया ये 1648 की है। इसकी रचना प्रौढ़ है,
उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है, है? और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाक्य वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता की भी बहुत सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की एक पुस्तक है, ठीक है, नाटक के ढंग की एक पुस्तक है। सॉरी, देखिए बोलते बोलते थक जाती हूँ तो कुछ एक शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी। विज्ञान गीता संस्कृत का जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उस ढंग की पुस्तक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। हर पुस्तक की उनकी विशेषता क्या है ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। रतन बावनी में इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता छप्पियों में अच्छा वर्णन किया गया है। ये वीर रस का अच्छा काव्य है, रसिक प्रिया को रतन बावनी को अच्छा काव्य बताया है। केसव की रचना में सूर तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर इन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया है। ठीक, भले ही इन्होंने उतनी सरसता उतनी तन्मयता उतनी भाव विभोरता इनकी रचनाओं में नहीं पाई जाती थी, लेकिन इन्होंने काव्यांगों का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। जो अच्छाइयाँ हैं आप चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इसको अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो केशव दास जी के लिए रामचंद्र शुक्ल जी का तो आप नोट्स ही बना रहे हैं। केशव दास जी की क्या विशेषताएं हैं, एक एक दो दो शब्दों एक एक दो दो लाइनों में लिख लीजिए, क्या उनकी कमियां बताइए एक दो दो शब्दों लाइनों में लिख लीजिए, तो रिविजन के टाइम पे आपको आराम हो जाएगी। कहते हैं वे रसिक जीव थी, एक दिन बुढ़े होने पर भी किसी कुएं में बैठे थे, ठीक, वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधित किया, इस पर इनके मुख से दोहा ये निकला। अब बुजुर्ग थे तो स्त्रियों ने देख के इन्हें बाबा कह दिया, और ये बड़े रसिक मिजाजी थे तो जब स्त्रियों ने इन्हें बाबा कहा तो इन्होंने क्या कहा, दोहा क्या बोला, केशव केसन अस करी बैरे हूँ जस न कराही, केशव केसन अस करी बैरे हूँ जस न कराई, चंद्र वदन मुख लोचनी बाबा कहीं कहीं जाई। समझ गए, केशव दास जी की रचना के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। उदाहरण मुझे लगता है बहुत लंबे, मैं एक आध पढ़ती हूँ उसके बाद देखती हूँ। जहो कहो रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चलन कहो तो हित हानि ना ही सहनो, भावे सो कह रहो तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलहूँ कैसे लोक लाज बहनो, केशव दास की सो तुम सुनहु छबीले लाल, चहेल बनत जो पे नाही राज रहनो, जैसे ये सिखाओ सीख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही चला तुम ही जैसे कुछ कहनो। चंचल न हुजे नाथ अंचल न खींचो हाथ, सेवाई नेक सारी काहू शोक तो न सेवायो नो जू, मंद करो दीप दुति चंद्रमुख दुखी यति, दारी के दुराए आऊ द्वार तो दिखायो जू, मृगज मराल बाल बाहिरे बिडार देऊ भाव, तुम्हें केसव सुकोहू मान जा भायो जू, छल के निवास ऐसे वचन विलास सुनी, सौ गुण सूरत हूँ ते श्याम सुख पायो जू, कैटब सो नरकासुर सो पल में मधुसो, कैटब सो नरकासुर सो पल में मधुसुर सो मुरसो जिन मारियो, लोक चतुर्दश रक्षक के सब पूरन वेद पुराण विचारियो, श्री कमला कुछ कुमकुम मंडन पंडित देव अदेव निहारियो, सो कर मांगन को बलि पे करतार के करतार पसारियो। रामचंद्र कैसे थे, अरुण गात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ भय, ठीक, मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेम में, ये पंक्ति पूछी जाती है। परिपूरण सिंदूर पूर किंधो मंगल घट,
कींधो शक्र को छत्रा मंड्यो मानिक मयूख पट के सोनित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को यह ललित लाल केंधो लसत दिग भामिनी के भाल को विधि के समान है विमानिकृत राजहंस विविधा विबुद विधु विभूद विधु सॉरी विविधा विभुद या तु मेरु सो अचल है दीपति दीपति अति सातो दीप देखिए अति दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। ये दीपति दीपति वाली पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। सागर उजागर सो बहुबाहिनी को पति छंद दान किए किंदो सूरज अमल है सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ भागीरथ पद गामी गंगा कैसो जले है मूलन के ही जहाँ अधोगति केशव गाई होम हुतासन धूम नगर एक मिला नहीं दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन में ही में श्रीफल हो अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में कुंतल ललित नील भ्रुकुटी धानुष धानुष नयन कुमद कटाक्ष बाण सबल सदाई है सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषणन मध्य देश केसरी सो जग जग गति भाई है विग्रह नुकूल सब लच्छ लच्छ रच्छ बल रच्छ राजमुखी मुख केशव दास गाई है रामचंद्र जूचो चामु राजश्री विभीषण की रावण की मीचु कर कूच चली आई है पढ़ो विरंचि मौन वेद जीव सोर डारी रे कुबेर बेर के कहीं न जच भीर मंडिरे दिनेश जाई दूर बैठु नारद ही संग ही न बोलू चंद मंद मुद बुद्धि इंद्र सभा में नहीं। बहुत जल्दी जल्दी बोला एक साथ शब्द अगर ऊपर नीचे हो गए तो देख लीजिएगा। केशव दास जी यहाँ से समाप्त होते हैं, बहुत लंबे ज़्यादा लिखे हुए थे। चलिए होल राय के लिए पढ़ लेते हैं। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय के में हरिवंश राय के आश्रित थे, हरिवंश राय के रगब आश्रित थे। होल राय याद रहेंगे, दोनों राय दोनों की मिली हुई जुली राय थी। और कभी कभी शाही दरबार में जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। वाह, कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था जिस पर इन्होंने कहा था। तुलसीदास जी ने अपना लोटा किसे दिया था? होल राय को। लोटे में होल का मतलब नहीं होता। लोटा तुलसीदास को, लाख टका को मोल, गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कभी होल। चलिए, रचना इनकी पुष्ट होती थी पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। रचनाएं सुरक्षित जनता ही रखती है। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने ये कविता लिखा था। अकबर बादशाह की प्रशंसा में कविता है, आ जाए तो होल राय लगा दीजिएगा। तुलसीदास जी के लोटे की बात आए तो किसको? होल राय को लगा दीजिएगा। दिल्ली ते न तख्त हवे वक्त न मुगल कैसो हुए न नगर बड़ी आगरा नगर ते गंग ते न गुनी तान सेन ते न तान बाजे मानते न राजा और न दाता वीर बरते। ये देखिए उस समय क्योंकि थे तो आपको बिल्कुल सही सही उनकी विशेषताएं भी पता चलेंगी। लेकिन वही है कि जब हम किसी राजा और इस तरह की दद्दा दरबारियों की विशेषता वर्णन करते हैं तो कई बार चापलूसियां भी होती हैं। खान खान खाना खान खान खाना तेना नर 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 हरि तेना हवे न दीवान को बेडर टूडर ते टूडर मल की बात है नवो सात खंड दीप सात हूँ समुद्र पार हवे न जलादुन साह अकबर ते। जलालुद्दीन अकबर नाम था ना उनका। चलिए इनकी बात हो गई, हो इनके होल राय की आपने देखा, इनके लिए तुलसी का लोटा और अकबर की विशेषता देख लीजिएगा। रहीम दास यानी अब्दुल रहीम खान का ना, ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान कौन? जो अकबर बादशाह के अकबर के वो थे, संरक्षक थे ना, पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में। बैरम खान के पुत्र थे, ठीक है। बैरम खान की जब
इनका, चलिए उसको हिस्ट्री का विषय छोड़िए, इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। थे मुस्लिम लेकिन हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। अपने समय के कर्ण कौन माने जाते थे? रहीम दास जी, अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था, मतलब किसी अपने यश के लालच में नहीं करते थे कि लोग मेरा नाम लेंगे, वो सच में करना चाहते थे। उनकी हृदय की प्रेरणा से वो ध्यान करते थे, उनमें दया थी, सहृदयता थी। इसलिए इनकी सभा में विद्वानों और कवि, इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 46 लाख रुपए दे डाले थे, 46 होगा। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे। ये बड़े बड़े युद्धों में भी भेजे गए थे। ठीक, ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे थे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में, लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई थी और इन्हें कैद कर लिया गया था। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था बहुत कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख ना लौटा, उसका पीछा याचकों से भला कैसे छूट सकता था? अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में उन्हें उसी समय होता था जब इनके पास कोई याचक पहुँचता था और इनके पास यथेष्ट सहायता नहीं कर पाते थे। मतलब कोई याचक पहुँचा इनसे लेने के लिए और ये नहीं दे पाते तो इन्हें बहुत दुख होता था। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। मतलब ये दे नहीं पाते थे, वो अवस्था इनके लिए कितनी दुखदायी थी, ये देखिए। तबही लो जीवो भलो देबो होए न धीम, जग में रहिबो कुचित गति उचित न होए रहीम। वाह, संपत्ति के समय जो लोग सदा घेरे रहते थे, विपत आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं। ये तो सभी आपने अनुभव सभी लोगों ने किया होगा। इस बात का द्योतक ये दोहा है, ये रहीम दरदर फिरे मांग मधुकरी खाए, है ना, ये रहीम दरदर फिरे मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छाड़िए अब रहीम बे नाही। कहते हैं इसी दीन दशा में ने एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने ये दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूटी में रम रहे रहिमन अवध नरेश, जापर विपदा परत ही है सो आवत ए देश। तो रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ये तो जब हमने तुलसीदास जी की बात की थी तब भी ये प्रसंग उठा था। जैसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए धान ना होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीमदास जी के पास भेजा और दोहे की दो ये पंक्तियाँ लिख कर दी थी। मतलब उसे सीधे कहने की जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो पंक्तियाँ लिख कर कहा कि ये लो और रहीमदास जी के पास ये जाके दे देना। अब देखिए क्या पंक्तियाँ थी। सुरती है नरती है नागती है सब चाहती है कोई, है ना, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पंक्तियाँ हैं प्रश्न में। अब ये देखिए कि हर कदम पे आपको प्रश्न मिल रहे हैं जो आपके उसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दी। यानी पहली पंक्ति लिखी गई गोस्वामी जी द्वारा और दूसरी पंक्ति रहीमदास जी द्वारा, इसलिए भी ज़्यादा पूछा जाता है। गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल राज्य के लिए ना जाने कितने प्रदेश जीते, जिन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इसमें इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की, उसी की व्यंजना इन्होंने अपने दोहे में की। जो अनुभव लिए संसार से, क्योंकि हृदय उदार था, इनका दयालु था, बहुत बड़ा हृदय था, तो उस हृदय के से इन्होंने जो भी अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं ना, वही अपने दोहे में उसकी व्यंजना की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते, मतलब सभी को रटे हुए। इसका ये कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव
भाई आप किसी को जीवन से जब जोड़ देंगे, जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से, तो आप भाई जाहिर सी बात है सबके मुंह में आपके दोहे रट ही जाएंगे। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है। रहीम वृंद और गिरधर ने एकदम कोरी नीति करी है कि नीति के पद्य कहे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उपदेशात्मक थे उनके जो थे, उनमें मार्मिक, इनमें क्या है, इनमें मार्मिकता है, इनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। अब ये ध्यान दीजिए, ये लाइन बहुत पूछी जाती है रहीम दास जी के बारे में, मार्मिकता है, मार्मिकता को जोड़िएगा, इतने बड़े दानी थे, इतना उदार हृदय था, है ना, और इनमें मार्मिकता थी, इनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा था। ठीक, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रहीम दास जी की ये पंक्ति। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। ये भी याद रखिएगा, जनता के प्यारे थे, इतना दान देते थे, तो ये पंक्ति किसके साथ जुड़ सकती है, रहीम दास जी के साथ। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं करता था, उसको सोचना नहीं पड़ता था, उसने जो अनुभव, उनके हृदय जो अनुभव किए थे वही परोसते थे सबके सामने। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों से ही में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा लेता था। भरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वो भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं, उसमें भारतीय प्रेम जीवन की एक झलक है। भाषा पर तुलसी का ही सा ही अधिकार रहीम भी का भी पाते हैं, मतलब जैसे अधिकार भाषा पर जैसा अधिकार तुलसीदास जी का था, वैसा ही हम देख सकते हैं कि रहीम दास जी का भी था। तुलसीदास जी की तुलना किससे कर दी गई भाषा में, रहीम दास जी से। ये ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान रूप से कुशल थे। ठीक है, कौन, रहीम दास जी, इम्पोर्टेंट है। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने के लोभ को रोक ना सके। मतलब इतनी अच्छी, इन्होंने इतनी अच्छी उक्तियाँ कही हैं, जो बिहारी स्वयं इतने बड़े कवि थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनकी उक्तियों का अपहरण किया, मतलब अपने उसमें रखा है, ले ली हैं। ठीक है, यद्यपि रहीम सब साधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरवे, कवित, दोहा, सवैया, सोठा पद सब में थोड़ी बहुत रचनाएं की हैं। रहीम दास जी का देहावसान 1682 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे, कौन से, रहीम दोहावली या सतसई। ठीक, रहीम दोहावली या रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित माया शंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचना का पता लगाया है, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्व सर्वे और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकला है। सभी को संग्रहित करके एक संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकला है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्वानों विद्याओं में पारंगत थे। ठीक है, इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था, वाकयात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेल कौतुकम नामक ज्योतिषी ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। अब देख लो, आप देख लीजिएगा कौन किसकी खिचड़ी है। ठीक है, रहीम काव्य जो है वो संस्कृत और हिंदी की खिचड़ी है। ठीक, और खेल कौतुकम संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। एक में खिचड़ी बनाई है हिंदी के साथ में, एक में संस्कृत के साथ में और एक फारसी के साथ में। ठीक है, सॉरी, एक में संस्कृत और हिंदी की है और दूसरी संस्कृत और फारसी की थी, दोनों में संस्कृत के साथ मिला के खिचड़ी बनाई गई है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं और इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं। दुर्दिन परे रहीम कह भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बित हानि को जो न होए हित हानि। कहु रहीम जानी कहु के द्वार गए पछताए, सम बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए, सर सूखे पंछी उड़े औरे सरन समाही, दीन मीन पंख बिन पंख के
कहू रही कहाँ जाई, मांगत मुकरी न को गयो, केह न त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख ले हो, ते रहीम रघुनाथ। ठीक है, रहीमन बेनर मर चुके, जो कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकरत निकसत नाही, रहीमन रहिला ही भरी, जे परसो चितलाए, परसत मन मैलो करे, सो मैदा चरी जाए। बरवन नायिका भेद से ज्यादातर इन्होंने देखिए दान पे और देने पे बातें कही हैं। भोरे ही बेल कुलाई, कोई लिया बड़ वती ताप, घरी एक भर आलिया, रह चुपचाप, बाहर देके दिए बा बारन जाई, सासु ननदी घर पहुंचियत, देती बुझाई, प्रिय आवत अंगनया उठ के लीन, बीसत चतुर तिरी यवा बैठक दीन, लेके सुघर खुरपिया, पीके साथ छैबे एक छदरिया, बसरत पात, प्रियतम एक सुमरी निया, मोही देही जाओ, जे ही जब तोर बिरहवा करो निबाहु। मदनाष्टक का है, ललित कलित ललित माला वा जवाहिर हंस जड़ा था, चपल चलक वाला चांदनी में खड़ा था, कटिबद्ध बीच मेला, पीत सेला नवेला, अलिबल अलवेला, यार मेरा अकेला। नगर शोभा से देख लीजिए, उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत, परसत बाके पाए, रूप रंज रतिराज में छत रानी इतरान, मानो रंच बिरंच पची कुसुम कनक की मेसान, बनी आई के बैठी रूप की हाट, पेम पेक तन हैर के गर्वे टारही बात, गरब तराजू करति चक बोहे मोरी मुस्काती, दाढ़ी मारत बिरह की चित चिंता घटी जाती। पुटकल का वित्त से है, बड़न सो जान पहचान के रहीम कहा, जो पे करता रही न सुख देनदार है, सीत हर सूरज सो नेह कियो याही हेत, ताहू पे कमल जारी डारत दुसार है, छीर निधि माही दस्यो शंकर के शीश बस्यो, ताहू न कलंक लस्यो शीश में सदा रहे, बड़ो रिजवार या चकोर दरबार है, पे कला निधि यार तव चाखत अंगार है, जाति हुती सखिन गोहन में मनमोहन, को लख ही ललचानो, नागरी नारी नई ब्रज की उनहू नंदलानी को रिजिभो जानो, जाति भई फिर के चितही सब जब भाव रहीम यही और आनो, जो कमलैत दमाक नक में फिर तीर सुतमारी ले जात निशानो, कमला दल नैनत उन्मानी बिसरत नहीं सकी, मो मन के मंद मंद मुस्कानी, वसुधा की बस कर मधुरता सुधा पगी बतरानी, मढ़ी रहे चित उतर विशाल की मुकुतमाल थहरानी, नृत्य समय पीताम्बर हूँ की फहर फहर फहरानी, अनुदिन श्री वृंदावन बजते आवन जा आवन आवन जानी, अब रहीम चितते न टरती है सकल श्याम की बानी। अभी कई सारे कवि बाकी हैं, सॉरी मैंने दो उसके पहले ही आपसे कह दिया था, भक्ति काल खत्म हो रहा है, अभी इसमें वीडियो एक आध और बनेगी, देख लीजिए। मैं जल्दी जल्दी या लंबे लंबे वीडियोस नहीं बना रही हूँ, आराम से जितना बन पाएगा बता दूंगी, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स में इस चीज़ के लिए बताते रहा करिए तो अच्छा रहता है। आप अगले वीडियो में मिलते हैं, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वो शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स द्वारा आप अपने फीडबैक्स देते रहिएगा, साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।